टीम निस्बत के अंदर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो एक समय एक मिक्स सॉर्ट ऑफ आप उनकी परफॉर्मेंस रही है। अगर उसका ग्राफ आप देखें, हाईज और लोज दोनों ऑस्ट्रेलिया ने देखे, और जहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी टीमों का नाम सामने आ रहा है फाइनलिस्ट के लिए, जिसमें कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की भी बात हो रही है। पाकिस्तान जो उस दौड़ में खुदा का शुक्र है शामिल ही है, और शुरू दिन से ही पाकिस्तान की खास तौर पे जो इंडिया के ख़िलाफ़ फतह थी उसके बाद से ही बात हर कोई कर रहा था कि पाकिस्तान तो फाइनल के लिए तकरीबन पक्का हो चुका है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस की बात करें, निस्बतन जो है वो कमज़ोर हरीफ आज रहा बांग्लादेश, और इससे पहले भी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के हवाले से काफ़ी बात हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ भी जब हमने प्रोग्राम में बात की थी उसमें यही चीज़ सामने आई थी कि बांग्लादेश से कोई अब उम्मीद बाकी नहीं रही कि वो इस टूर्नामेंट के अंदर कोई कमाल दिखाए। बहरहाल जी, परफॉर्मेंसेस के हवाले से आज हमने बात करनी है। पहला मैच जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का, लो स्कोरिंग गेम। बांग्लादेश की टीम जो है वो 73 रन पे जो है ऑल आउट हो गई 15 ओवर के अंदर। बहुत थोड़ी सी रेजिस्टेंस जो है उन्होंने शो की है। अच्छा जी, इसके अलावा जो बॉलर थे वो एडम जैम्पा थे, आज उनके जो राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। 19 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया है, और 4 ओवर्स के अंदर गलबन बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी जो है उसको समझा जाए। बांग्लादेश की टीम जो है उसमें शमीम हुसैन जो है वो 19 रन बना के टॉप बैट्समैन रहे, मोहम्मद नईम जो है उसमें 17 रन बना सके, और मोहम्मद उल्ला 16 रन बनाने में कामयाब हुए। जैम्पा ने 5 विकेटें लिए, जॉश हेजलवुड ने 8 रन देके 2 विकेटें, मिचेल स्टार्क ने 21 रन देके 2 विकेटें हासिल की। इसके अलावा एरन फिंच जो उनके ओपनिंग बैट्समैन हैं उन्होंने 20 गेंदों पर 40 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर ने 18 रन और मिचेल मार्श ने 16 रन स्कोर किए, क्योंकि आसान हदफ था, बड़ी जल्दी इसको चेस कर लिया। शरीफुल इस्लाम जो है वो 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, तस्कीन अहमद 1 विकेट, और इसके अलावा और कोई जो बॉलर कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तो ये परफॉर्मेंस रही है। पहले थोड़ा इस मैच के हवाले से बात करेंगे, और फिर आगे जाके जो दूसरा मैच हुआ है वेस्ट इंडीज़ वर्सेज श्रीलंका, जो कि निस्बतन बेहतर टीमें थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की परफॉर्मेंस के हवाले से कल भी बात हो रही थी कि वो खातिर खा कारकर्दगी इस टूर्नामेंट के अंदर नज़र नहीं आई, एक दफ़ा फिर जो है वो मैच जीतने में नाकाम रहे। इन तमाम मामला पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमानों का जो पैनल है उसको खुश आमदेद कहूँगा। जमील अहमद खान साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, तज़िया निगार हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वेलकम करना, बहुत शुक्रिया जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं मज़र अमान साहब, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, महसूस भी होते हैं और बड़ा अच्छा तबसरा करते हैं। खासतौर पर बहुत जो कल पॉइंट्स उन्होंने रेज किए थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे, और जो आज मैच में नजर दिया नजर आवान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नील भाई, गुज़िश्ता रोज़ भी आज के मैच के हवाले से जो है प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, बांग्लादेश के बारे में क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा नाउमीद किया, पहले ही पूरी स्ट्रेंथ नहीं थी, बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में रहे, लेकिन आखिरी मैचेस के अंदर, अभी तकरीबन आखिरी ही मैचेस को समझा जाए, बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल किसी किस्म की कोई एनर्जी किसी प्लेयर के अंदर नज़र नहीं आई। जैम्पा कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलर नहीं है, 5 विकेटें ले लेना, आपने पूरी एक आधी टीम बाहर हो गई इसके अगेंस्ट, क्या मसला, क्या समझ में आ रहा है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर थोड़ी गुफ्तगू हो जाए। देखिए जी, हम तो शुरू से आपको बता रहे हैं कि जब से बांग्लादेश यहाँ आई है जी, उस वक्त से लेके अब तक इसकी कारकर्दगी जो है ना इंतहाई ख़राब है। बिल्कुल, तो जिस अंदाज में प्रैक्टिस मैच हारे 2, ये फिर वहां पर ये जो है स्कॉटलैंड से हारे जी, स्कॉटलैंड से आगाज ही है क्वालिफाइंग राउंड से, फिर वो बड़ी मुश्किल से 2 मैच जीत कर और क्वालिफाई तो उन्होंने कर लिया, लेकिन यहाँ ज्यादा मजबूत टीमें थी जी। अब मजबूत हरीफ के सामने जो है जब वो स्कॉटलैंड से नहीं जीत सके जी, जो कि एसोसिएट मेंबर है, बिल्कुल, तो अब यहाँ तो सारी टेस्ट नेशन टीमें खेल रही थी, तो उनका यहाँ पर आकर और जिस तरह उन्होंने खेल पेश किया, बांग्लादेश खुद भी टेस्ट नेशन कंट्री है जी, और काफी अरसे से खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे खराब कारकर्दगी जो है ना वो मेरे ख्याल में हो नहीं सकती। हो नहीं सकती कि मतलब सारे मैच, मतलब चलो एक आध होता है ना, देखिए श्रीलंका बिल्कुल डिफरेंट खेला है इससे, अगर आप श्रीलंका की कारकर्दगी देखेंगे ना जी, मैं कहता हूँ बहुत शानदार है, बहुत बेहतर, इससे अगर आप उस पर भी बात करेंगे जी, अभी आगे चल के बात करेंगे। बांग्लादेश की टीम जो है 73 रन बना के 15 ओवर में आउट हो गई। अब अगर कोई टीम 20 ओवर नहीं खेल सकती, अच्छा उन पे कोई दबाव भी नहीं था, बिल्कुल आपका आखिरी मैच था, आज उनका सफर खत्म हो गया, खत्म हो गया, अच्छा उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज का सफर भी खत्म हो गया, अच्छा उसके साथ श्रीलंका का सफर भी खत्म हो गया, स्कॉटलैंड का भी खत्म हो गया, नामीबिया का भी खत्म हो गया, कुछ मैच इनके जरूर हैं तो ये खेलेंगे और उसके बाद रवाना। ठीक, अब 60 टीमें रह गई हैं 12 में से,
उनमें से भी बहरहाल ये कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, कल एक दो रोज में जो 6 तारीख को बहरहाल सारा फैसला जो है ना वो हो जाना है, हो जाएगा। अच्छा अब वहां पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, देखिए मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जब ये लोग उतरते हैं ना तो बड़ी प्लानिंग से उतरते हैं, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इनको पता था कि हमने करना क्या है, उसी प्लानिंग के साथ वो आए और उन्होंने उनके ऊपर जिस अंदाज में अटैक किया है तो वो संभलने नहीं दिया, संभलने नहीं, मतलब पहली से और 15 ओवर तक संभलने ही नहीं दिया और इतना दबाव में रखा, कप्तानी लाजवाब किए ऐसे टाइम पर जो है। देखिए एडम जेम्पा जो है ना, आपको पता है ये 5 खिलाड़ी आउट करके वो बेस्ट बॉलर हो गए इस वक्त वर्ल्ड कप के, उनकी टोटल विकेट 10 हो गई हैं, वो हो गए बेस्ट बॉलर, बाकी और 3-4 हैं लेकिन वो नीचे हैं इनसे 8-8, 7-7 इस तरह की। एडम अच्छा, फिर जो उनके फादर ने जो बॉलिंग की है, कमाल बॉलिंग, ओहो मिचेल स्टार्क अनप्लेबल, मतलब वो पहले ओवर से उसने जो है ना मतलब दबाव डाल दिया, फिर हेजलवुड जोश है, मतलब इतनी क्लास की दोनों ने मतलब 4 ओवर किए ना कि वो दबाव तो वहीं आ गया, वहीं आ गया था, उसके बाद फिर आके जो काम तमाम था वो इसने कर दिया और इस तरह वो आसानी के साथ जो है ना मतलब उन्होंने आप बताओ 6.2 ओवर में ये रन चेस कर लिए थे बिल्कुल, और मतलब 82 गेंदे बाकी थी जो रन रेट हम कह रहे हैं ना बार बार रन रेट उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में मतलब अपना बेहतर कर लिया और प्लस के अंदर आ गए, इस मैच से पहले वो माइनस में थे और अब वो रन रेट उनका बेहतर हो गया, प्लस में आ गए, 200 के स्ट्राइक रेट से उनका जो कप्तान है एरन फिंच वो खेला है समझे ना, 20 गेंदों के ऊपर 40 रन, 4 छक्के, 2 चौके और बाकी जो दूसरे बैट्समैन थे वो मतलब 18 और 20 रन, तो उन्होंने मतलब समझ लें कि पावर प्ले में उनको बाहर कर दिया था, निपटा दिया था। अब इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर अगर कोई नेशनल टीम है और इस अंदाज का खेल पेश करे तो वो बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि अब ये टीम वापस जाएगी तो वहां पर बांग्लादेश जो है ना उसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी जाना है बांग्लादेश, यहाँ से खत्म करके पाकिस्तान का टूर शुरू होगा वहां पर बांग्लादेश, तो मतलब अगर मजबूत टीम से हो ना तो ज्यादा, अब टीम इनकी बजाहिर मजबूत नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि ये तमीम इकबाल को जो है ना वापस ले आए शामिल करें और वो शकीबुल हसन फिट हो जाए उस वक्त तक तो सीरीज थोड़ा सा अच्छी हो बेहतर हो सकती है। जनाब ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस तो आपने देख ली, मगर अवान साहब आपने कल भी इस चीज की निशानदेही की थी कि ये बड़ी खतरनाक साइड है और अगर इसको एक बड़ी विक्ट्री मिल जाए या इस तरह अगर इसको एक ब्रेक मिल जाए तो फिर आगे खतरे की घंटी बजा सकती है। अब हमें तो ये देखना है ना कि आगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन आगे निकल रहा है, बड़े ज़बरदस्त कन्विंसिंगली जीत लिया मैच, आगे की तरफ क्या देख रहे हैं, आगे के बारे में क्या पेशगोई है जनाब की, क्या सोच रहे हैं कि के आया साउथ अफ्रीका जा रहा है या ऑस्ट्रेलिया आज की जीत के बाद एक नए रूप में नजर आएगी। जी देखिए दोनों मैचों को अगर देखें आप, ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखें कि उसका किससे है और जो है साउथ अफ्रीका का मैच जो है वो किससे है, दोनों जो है पोजीशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने इजी मैच खेलना है, उसके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि वो अपने रन रेट को वहां पर और भी बढ़ा देगा। और जबकि साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो इंग्लैंड की टीम से और वो टॉप की इस पोजीशन पे है, तो अगर जो है साउथ अफ्रीका अगर इंग्लैंड से जीत भी जाती है तो उसको बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा जो कि तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अगर हार भी जाती है तो इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारेगी। जी, ये 19-20 में बड़ा फाइटिंग मैच होगा, आपने सही कहा। तो जबकि ऑस्ट्रेलिया का इस वक्त जो है रन रेट जो है वो 1.6 है और जबकि साउथ अफ्रीका का 0.876 है, अभी भी वो ऊपर है, तो मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका के लिए चांसेस जो है ना कम है। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम कोई अपसेट हो जाता है तो वो तो बात अलग है, मगर ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसी नहीं है कि वो अपसेट अपने साथ होने दे। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि जो है ना हम जो है ना अपसेट कर, हम बहुत टफ टाइम देती है, हम लोग जो है अपसेट कर भी देते हैं और करवा भी लेते हैं, तो ये जो है ना ये वो टीम नहीं है, बहुत ही साफ सुथरी टीम है और बहुत ही प्रोफेशनल टीम है और इसके साथ जब वो मैदान में जैसे उतरती है, जैसे जमील भाई ने बोला, वो पहले पूरी प्लानिंग करके उतरते हैं, लैपटॉप लेके
बॉलर जो है वो बॉलिंग देख रहे होते हैं, बैट्समैन जो है बैटिंग देख रहे होते हैं, हर चीज को पूरा मैनेज करते हैं। खास बात है ये, सिर्फ मैंने ऑस्ट्रेलिया की टीम में देखा है कि मैच हारने के बाद वो मामला वहीं खत्म करते हैं और अगली दफा जब मैच में उतरते हैं तो वो सारी गलतियों को भुलाकर सारी उसको ओवरकम करके फिर आते हैं जनाब अगले दिन मैच खेलने के लिए। तो ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीज नजर आती है, क्योंकि उसके जो कोचेज है वो भी बहुत प्रोफेशनल है और जो उनकी बैक साइड बैक पे जो है लोग जो काम कर रहे हैं, जो जो प्लेयरों के लिए काम कर रहे हैं, क्या बात है भाई, बिल्कुल, तो वो बहुत प्रोफेशनल है। तो वो जो जो चीज निकाल के देंगे, अगर बॉलर मैच स्टार के उसने कोई बॉल गलत की है या कुछ किया है तो उसको वो निकाल के देंगे कि ये यहाँ पर आपने गलती की है, और जो कोच को देंगे कि ये किसने ये गलती की है। तो जाहिर सी बात है ना, जब आपकी टीम में प्रोफेशनलिज्म सारे होंगे, आपके कोच प्रोफेशनल होगा, जो मैनेजर जो होगा वो भी प्रोफेशनल होगा, जो बैक साइड पे जो कंप्यूटर पे काम करने वाले होते हैं वो भी प्रोफेशनल होगा, तो मैं नहीं समझता कि देना उसके अंदर कोई चीज देना रह जाए। तो इस वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम मैं इस वक्त देख रहा हूँ, इस वक्त जो सेमीफाइनल में जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आती है, इन्हें ऐसा महसूस होता है, यानी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान का सामना कर सकती है। और जो अभी इन्होंने चीज़ें जिनकी निशानदेही की है, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं कि वो तमाम अपनी खामियों पर नजर रखते हैं, और क्योंकि कल भी इन्होंने ये बात कही थी कि एक बड़ी विक्ट्री अगर मिलेगी तो आप नए रूप में ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि अब अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका के लिए इतना आसान तो नहीं होगा इंग्लैंड को शिकस्त देना, और वो भी फिर अगर दें तो बड़े मार्जिन से, ये भी मुमकिन नजर नहीं आता। क्या राय रखते हैं जमीन भाई, जरा ये फरमाइए। नहीं, अब तो काफी हद तक सूरत हाल जो है ना वो चेंज नजर आ रही है, और क्योंकि अगर आज का मैच वेस्ट इंडीज जीत जाता तो अगला जो उसका मैच ऑस्ट्रेलिया से उसमें वो काफी जान मारते जी, और वो भी क्योंकि दोनों मैच सेम डे हो रहे हैं, मतलब देखो दोनों मैच, तो वो जाहिर है उसका इंतजार करते हैं कि आया जो है मतलब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसका भी क्या रिजल्ट आता है जी। तो उस रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जाके, लेकिन अब चूंकि ये टूर्नामेंट से बाहर हो गए समझे ना, तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि ये भी बहुत खराब क्रिकेट खेल के गए जी। वेस्ट इंडीज के अंदर जितने पावर हिटर थे, 8 पावर हिटर होने के बाद जिस अंदाज में उन्होंने इस टूर्नामेंट को के मैचेस खेले हैं, तो 3 मैच हारना, 1 मैच जीतना, और अब जो इनका मुकाबला है वो भी मजबूत हरीफ से ऑस्ट्रेलिया। एक जमाने में हम बिल्कुल बराबर की टीम है मतलब समझते थे, बल्कि थोड़ा सा एज ही हासिल था इनको जो है ना, लेकिन अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं वेस्ट इंडीज में, लेकिन किसी भी बड़े नाम में, चाहे आप वो आंद्रे रसल को देख लें, क्रिस गेल को देख लें, पोलार्ड को देख लें, मतलब ये जो यंगस्टर है ना, देखिए आज भी अगर रन किए तो यंगस्टर ने किए, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो उनके, मुझे तो हैरत हो रही है, एक लड़का बहुत अच्छा है वहां पर, और यहाँ पर पीएसएल खेला भी पिशावर से, रदरफोर्ड, यस यस, वो लड़का जो है ना बहुत अच्छा, मतलब देखे पावर हिटर है, और अब क्या वजुहत है क्या नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन वो लड़का जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है ना हम उसको वेस्ट इंडीज की टीम में देखेंगे। हो सकता है कि मुमकिन तौर पे कप्तान भी बना दिया जाए, इस तरह ये रिवायत रही है, जैसे हमारे यहाँ बड़े तजुर्बे होते हैं ना, वहाँ पे भी बड़े तजुर्बे होते हैं। एनी हाउ, अब जरा आगे चलते हैं, जरा बात हो रही थी वेस्ट इंडीज की, तो आज के मैच की भी बात कर लेते हैं, जरा स्कोर शेयर कर लें, उसके बाद जो बात करते हैं। 189 जनाब स्कोर, 3 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका ने पूरा किया, और पहला बैटिंग करते हुए टोटल जो है वो शेड किया। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है 169 रन के ऊपर जो है ऑल आउट हो गई 8 विकेटों के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में। श्रीलंका की जानिब से जो परफॉर्मेंसेस थी वो चिराग असलंका 68 रन बनाए 41 गेंदों के ऊपर, शानदार उन्होंने बैटिंग की है, जिसके ऊपर उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। पथुम निसांका 51 रन बनाए 41 गेंदों के ऊपर, कुशाल परेरा जो है 29 रन बनाए उन्होंने 21 गेंदों के ऊपर, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस कुशाल परेरा की भी, हैंडी क्रिकेटर ऑलराउंडर ही समझे। आंद्रे रसल वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, 4 ओवर में 33 रन दिए। ड्वेन ब्रावो 1 विकेट लेने में कामयाब हुए, 42 रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। रोशन चेज ने 6 रन दिए, 1 ही ओवर उन्होंने किया और उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी। शमरॉन हिटमर जो हैं 81 रन बनाए उन्होंने, बहुत रेजिस्टेंस शो किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच जो है वो नहीं जीत पा सके अपनी टीम को। निकोलस पोरान जो है वो 46 रन उन्होंने बनाए 34 गेंदों के ऊपर। रोस्टन चेस ने 9 रन किए 8 गेंदों के ऊपर, बस यही इनके जो है 3 बैट्समैन रहे हैं। अच्छा जी, हासा रंगा जो हैं वो बड़ी स्पेशल बॉलिंग आज उन्होंने की है, 4 ओवर में 19 रन देके 2 विकेटें हासिल की हैं। फर्नांडो ने 24 रन देके 2 ओवर में 2 विकेटें हासिल की हैं, और करुणा रत्ने ने 43 रन देके 2
आउट किए खिलाड़ियों को चार ओवर्स के अंदर। तो ये आज के मैच की सूरत हाल रही है। जनाब श्रीलंका के हवाले से भी थोड़ी सी बात हो जाए, श्रीलंका की परफॉर्मेंस टूर्नामेंट के अंदर प्लेयर अच्छे हैं, जो खास तौर पे हमने हसरंगा को देखा, बड़ी अच्छी गेंद कर रहा है बैटिंग में, खास तौर पे जैसे हमने देखा हसरंगा ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, इससे पहले भी टूर्नामेंट अच्छा रहा है, लेकिन बड़ी एक छोटी छोटी सी गलतियों की वजह से मैच हाथ से जो है वो निकला, लेकिन आज वो जीतने में कामयाब हो गए। श्रीलंका पे थोड़ी बात हो। देखिए श्रीलंका के आज जो कोच है ना, वो तो आपको पता है कौन है, कौन है जिन्हें पाकिस्तान ने बगैर कुछ बताए उसको आज उन्होंने ये कहा कि वो अपनी टीम से बहुत खुश हैं, बहुत खुश और बहुत मुतमईन है, और मैं समझता हूँ खुश होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ ज्यादातर लड़कों ने 10-10, 12-12 जो है ना मैचेस खेले हुए और इतना तजर्बा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इतने बड़े इंटरनेशनल मैच के अंदर आकर और जिस अंदाज में वो खेले हैं, कमाल किया उन्होंने, मतलब उन्होंने आप देखें तमाम जितनी भी टॉप की टीमें थी सबको टफ टाइम दिया, टाइम दिया, अच्छी क्रिकेट खेल के आ रहे। एक टाइम ये था कि वो इंग्लैंड को भी जीतने के लिए जा रहे थे एग्जैक्टली, अगर 3 ओवर में 34 रन कुछ भी नहीं होते, अगर वो हसरंगा उस वक्त आउट नहीं होता तो वो भी बंदर भी लगा दिया। और आपको आपको याद होगा कि 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि मिलर आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे, 2 छक्के मार के मिलर ने वो मैच जीता है, बिल्कुल। तो इन्होंने क्रिकेट बहुत जबरदस्त अच्छी खेली, दो मैच तो जीत गया ना, बिल्कुल ठीक है, वेस्ट इंडीज से जीते, बांग्लादेश से जीते, बाकी तीनों मैच बड़े तकरीबन जीत चुके थे। तो अब जो जिस टीम की कारकर्दगी ऐसी हो और जो क्वालिफाइंग राउंड से आई हो, सबसे बड़ी बात यह है कि वो 2 साल पहले जो क्वालिफाइंग राउंड थे वहां से वो करके आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि मिक्की आर्थर जो है ना वो ऐसा कोच है कि जिस तरह उसने पाकिस्तान को जो देखिए वो जो है ना वो यंगस्टर पे बड़ा उसका जो वर्क करता है, बिल्कुल ऐसा ही और काम करता है, और आपको उसने आपको बाबर आजम दिया आपको शाहीन शाह आफरीदी दिया। तो ये दो प्लेयर आपके जो है ना रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं इस वक्त। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ अगला वर्ल्ड कप में ज्यादा वक्त नहीं है, 11 महीने हैं जी, जो ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। तो आप देखेंगे कि अगले वर्ल्ड कप तक यही श्रीलंका की जो टीम है ना ये सारे यंगस्टर है, अगर आप इन पे गौर करो ना तो ये सारे के सारे बड़ी अच्छी आपने बात की, सब तैयार होंगे और ये सब तैयार होंगे और बहुत से तैयार हो गए जी इस उसके अंदर। और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में हसरंगा जो है ना वो आया है निकल कर एज ए ऑलराउंडर, मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर दुनिया का टॉप का जो है ना ये ऑलराउंडर होगा, देखो ठीक है। उसका यानी कप्तान का उस पर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि उसको 10 ओवर के बाद लाते थे उसके 4 ओवर कराने के लिए, अब जब वो उसको लाते हैं जाहिर है उसको डेथ ओवर में बॉल करनी है, ठीक है, कमाल की बॉलिंग की है साहब उसने। और मैं ये कहता हूँ कि क्रेडिट जो है ना श्रीलंकन टीम के साथ साथ जो है मिक्की आर्थर को भी जाता है कि जिसने इस टीम को टीम बना दिया। पता चल रहा है कि कोई टीम देखिए हार जीत ये जो T20 होता है ना इसमें होती है, लेकिन जैसी वो क्रिकेट खेल के गए मतलब उसका मतलब जवाब नहीं है, मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जमील भाई, बिल्कुल ऐसा ही है कि जो टीम उन्होंने बनाई है, और एक कोच का एक काम होता है कि एक टीम जो है वो तश्कील दे। इससे पहले भी हमने देखा मिक्की आर्थर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मिक्की आर्थर ही वो शख्स था जिसने से इस टीम के अंदर से जितने भी फालतू खिलाड़ी थे उनको सेट असाइड किया, जिसमें उमर अकमल सर फेरिस थे, अहमद शहजाद थे, उन सबको उस वक्त बड़ी तनकीद सब ने की थी कि जनाब इन खिलाड़ियों को क्यों निकाल रहे हैं, कि मौजूदा चेयरमैन है सबसे ज्यादा ये पेश थे, नहीं आओ चले ये भी किस्मत का एक खेल है। लेकिन मिक्की आर्थर ने उस वक्त जो टीम बनाई तो वो आपको इवेंचुअली सरफराज अहमद की कप्तानी में नंबर वन टीम बनी, और अगर उसके साथ ये छेड़छाड़ नहीं करते तो पाकिस्तान आज पता नहीं किस जगह होती। हसन अली भी उसी की दरियाफ्त थी, बिल्कुल वो एक बहुत एक एवरेज बॉलर था, उसको ला के सही तरह यूटिलाइज करके उस पर वर्क करके उसने तैयार किया। तो पता ये चला कि टीम तश्कील देने में मिक्की आर्थर जो है वो इस वक्त सबसे बेहतरीन कोच जो है वो साबित हो रहा है। अब जरा फरमाइए आप किस हद तक मुतमईन नजर आए श्रीलंका की परफॉर्मेंस से, अपनी राय दीजिए। देखिए श्रीलंका की टीम बिल्कुल यंग टीम है, ये अभी प्रोसेस में जी। तो जमील भाई ने बिल्कुल सही बोला कि ये 11 महीने के बाद आप देखेंगे ये नए रूप में होंगे। सही कहा, 11 महीने के बाद देखिए मिक्की आर्थर ने जब पाकिस्तान में आया था जब उसका कोच बना था तो उस वक्त उसने यंग को ही जो है प्रेफरेंस दी थी और यंग लड़के लेकर आया था, तो 1-1.5 साल के बाद उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था। तो आप देखेंगे 11 से 12 महीने जो है हम जो है T20 के नंबर वन रहे थे जी, ठीक है, और लगातार कितनी सीरीज आफ्टर सीरीज हम लोग जीते, 11 सीरीज का रिकॉर्ड है। हम जो है T20 में नंबर वन थे,
वनडे में हम चौथे नंबर में थे और टेस्ट में भी पहले नंबर पे थे। तो जब आपको तीनों तरह की क्रिकेट में आप नंबर वन से करीब करीब के अंदर आ गए ना, तो वही जीतने के बाद मुझे समझ में सबसे पहले तो ये नहीं आया है कि उसको, मैं समझ रहा हूँ उसको एक्सटेंशन देनी चाहिए थी, क्योंकि वो लड़का वो समझ गया था। नहीं, तो एक्सटेंशन देता कौन, जिसने फैसला करना था कमेटी के अंदर वो खुद ही जब कोच बना। कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ था ना, नहीं हुआ था अभी, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में एक साल बाकी था। था। उसको मतलब वहां से वो हटाया गया, जबकि अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो एक्सटेंशन देंगे। लेकिन ये भी आप देखे ना पाकिस्तान में कैसे कैसे कमाल होते हैं। आप ये देखिए कि एक कमेटी थी जिसने फैसला करना है कि इसको एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, उसी कमेटी का एक मेंबर निकलकर अगला कोच जो है वो बन जाता है। आप उम्मीद रखते हैं कि वो उसको एक्सटेंशन देगा, मतलब किस किस किस्म के, जिसे कहते हैं ना भरे हुए थाल में लात मारी ये जो बात की है बड़ी जबरदस्त की है, बिल्कुल ऐसे हुआ। ब्रेक की तरफ जाते हैं, जमीन भाई ने अच्छी मिसाल दी, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो वापस आने के बाद जो है कुछ और मामला डिस्कस होंगे, खासतौर पे जो रैंकिंग के हवाले से बात हो रही है, एक और न्यूज आपके साथ शेयर करनी है ना। बाबर आजम पाकिस्तान के जो कप्तान है T20 के, नंबर वन बैट्समैन जो है वो बन चुके हैं, इसके ऊपर अभी हम गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा पर खुशामदीद कहेंगे जनाब। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ आज के होने वाले मैचेस के हवाले से, और आगे सेमीफाइनल का जो मरहला है उसकी तरफ हमें जाना होगा। काफ़ी हद तक पोजीशन जो है वो क्लियर हो गई आज के मैचेस के बाद। अच्छा जी, बात हो रही थी ICC की रैंकिंग के हवाले से, तो खुदा का शुक्र है बाबर आजम हमारे जो कप्तान हैं पहले नंबर पर आ चुके हैं बैटिंग में T20 के अंदर। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, रिजवान की फोर्थ पे रिजवान है, सस्टेन किया उन्होंने, बाकी मलान वगैरह जो है वो एक पोजीशन उनकी कम आई है, हो गई है, वो सेकंड पर आ गए। तो ये इस वक्त हमने देखा है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर ही बहुत परफॉर्मेंसेस जो है वो सामने आई हैं, लेकिन बॉलर्स के अंदर जो है पाकिस्तान का बॉलर टॉप 10 के अंदर नहीं आ सका। अच्छा, मैं तो अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूज, ये जो खासतौर पर इनका जो रैंकिंग का जो सिस्टम है इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन भी होता रहा है कि जो पॉइंट सिस्टम है इट्स रियली हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन वो चल रहा है, चले लेट इट बी। अच्छा जी, अब थोड़ी आगे बात लेकर चलते हैं ना, ज़रा अब रैंकिंग के हवाले से बात करते हैं। ये तो शुक्र है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई है, टीम भी आपकी T20 में कहीं ना कहीं पहुंच गई, लेकिन ये जो सिलसिला हर दौर में होता आया है, जैसे अभी कुछ देर पहले आपने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब आपके पास एक बेहतरीन सेटअप बन चुका था, एक ऐसी टीम आपने तश्कील दी जो कि 11 सीरीज़ जिसने जीता, एक बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड एक उसने बनाया, उसके बाद आपने सारी चीज़ों को खुद ब खुद ही उल्टा कर दिया, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा ये ज़रा बताइएगा। और अभी जैसे अभी हो रहा है कि जीत की बात हो रही है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो फाइनल अगर जीत लेती है पाकिस्तानी टीम, तो इसका मतलब है कि जो कुछ होता आ रहा है बैकहैंड के ऊपर, जो गलतियाँ जो खामियाँ हैं उसको सबको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि अमूमन होता यही है कि इसमें आपको कोई भी जीत के बाद खामी के ऊपर कोई बात करता नहीं है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, खामियों पर जो है ना नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ सबसे बड़ा जो मसला है ना यासिर भाई, जो कि मतलब पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका, या नेचुरल टैलेंट आता है इसलिए आपकी क्रिकेट जिंदा है। ठीक है, अगर नेचुरल टैलेंट ना आए ना तो आप ये समझ लीजिए जो अभी कायज़ान ट्रॉफी हो रही है उस कायज़ान ट्रॉफी के अंदर 2 राउंड हुए हैं अभी। ठीक है ना, कोका बुरा की बॉल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जमाने में ड्यूक आई थी तो वो यानी हाईएस्ट स्कोर जो है ना 800 रन हुआ था पूरे सीजन में, जो कि 7 दली ने किए थे, समझे ना। और इसने 25 आउट किए ताबिश ने पूरे सीजन के अंदर, वो कुका बुरा के साथ 25 आउट किए थे। जी जी, अच्छा वो कंगोबर के साथ किए थे, उसके बाद वाले सीजन, उससे पहले ड्यूक का सीजन जब था तो कोई बल्ले पे गेंद नहीं लग रही, नहीं लग नहीं सकता। अच्छा, आप दुनिया में कहीं पर भी जो है ना वो गेंद इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट क्लास के अंदर, के जिस गेंद से उनको खेलना होता है, खेलना होता है। अच्छा, अब आप आया के जो सीरीज आप टेस्ट सीरीज या जो भी खेलेंगे
वो देखें ये लड़के तो इसी कारकर्दगी में सिलेक्ट हो जाएंगे ना, ठीक है। अब हर आदमी खड़ा हो जाएगा मेरे 1200 रन है, मेरे 1000 रन है, मेरा 1300 रन है, जी ठीक है ना। जब उस लड़के को आप आगे ले जाके डालते हो टीम के अंदर, इंग्लैंड ले जाए, मैं एक बात कह रहा हूँ ना, एक मिसाल है ना वो इमरान भट्ट की मिसाल जी, है जी। वो भी इसी तरह आ गए थे ना, रन करके आए तो उनकी वो उठा लें आप कारकर्दगी जी, कि क्या सिर्फ वो चार कैच उन्होंने एक टेस्ट में पकड़ लिए तो आप उसको अब जो ना खिलाए जा रहे हैं टेस्ट टीम का। वो देखे ओपनर जो है ना उसका तो मतलब एक इनिंग उसने खेली है जी, और वो लगातार जो है वो खेले जा रहे हैं। आबिद अली आपको नए प्लेयर तलाश करना होंगे और उसके लिए आपको जो है ना, देखें हमें जो है ना, हमें खुली आंखों से जो है ना वो सोचना पड़ेगा और अपनी खामियों पे नजर रखनी पड़ेगी। ये देखें ये T20 क्रिकेट है, समझे ना, ये तो चकाचौंध है ना। चले वर्ल्ड कप है, हम 2007 का वर्ल्ड कप जीते थे ना, कोई इतना शोर शराबा नहीं हुआ था, आपको याद है 2009 का यूनुस खान की जो कयादत में जीते थे इंग्लैंड के अंदर, तो कोई इतना ज्यादा मतलब इसको, चलो ये तो अब T20 क्रिकेट वॉच हो गई है, तो ये बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान ये जीते और एक मुल्क में हमारे जो है ना खुशियां आए और हम सब जो है ना मतलब ये, लेकिन हमें अपने डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है उसको भी देखना चाहिए और जहां जहां पर भी खामियां हैं मतलब उसको दूर करना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आती है 1999 से जो है ना एडहॉक लगा हुआ है जी। अब इन्होंने कहा कि जनाब एक खुद साख्ता जो है ना, मतलब इन्होंने एक निजाम बना लिया और उसको ये जमहूरियत का नाम दे दिया, क्योंकि नहीं है जमहूरियत। अभी अगर 2023 के अंदर इलेक्शन की बुनियाद पर कोई तब्दीली आती है जी, तो अगर तब्दीली आ जाती है तो सब तब्दील हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक है। फिर असल जो नुकता है ना वो ये है कि जब तब्दीली आएगी तो सब चीजें जब तब्दील हो जाएंगी, तो अगर तब्दीली नहीं आई तो चलिए सिस्टम चलेगा और इस सिस्टम को मतलब वो करने में तकरीबन 1 साल 1.5 साल अभी क्लब के रजिस्ट्रेशन और अभी स्कूट नहीं होना, लंबा प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो अब 2000 ये साल एंड हो रहा है, फिर ये 22 के बाद 23, अगर उस 23 के अंदर वो हो गया तो जितनी मेहनत की है ये जो हमारे चेयरमैन साहब आए हैं क्रिकेट खेले में, हमें इनसे बहुत तवक्कात है कि ये आके क्रिकेट के मामलों को, चूंकि इन्होंने आते ही क्लब क्रिकेट की बात की है, समझे ना, क्या कहते हैं ये जो समर ट्रॉफी, तो ये जो विंटर लीग और समर लीग का जो इन्होंने एक वो दिया है ना कॉन्सेप्ट, तो ये शुरू भी हो गया, होपफुली क्रिकेट जो है स्टार्ट हो, बिल्कुल ठीक है। हमें असल जो बुनियाद है ना वो ये है कि सियासी तौर पर जब ये तब्दीलियां आएंगी ना तो फिर नया चेयरमैन आएगा, फिर नया सेटअप आएगा, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। हम तो 2015 का भी देख चुके हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, 2019 का भी देख लिया है, अब आने वाला अगर 2023 का अगर वो कोई आ जाता है तो परेशान तो क्लब वाले होते हैं ना। बिल्कुल ठीक है जमी भाई, ये अब क्योंकि अभी तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा वर्ल्ड कप के हवाले से बात हो जाए, लेकिन ये आपने बड़ी बिल्कुल मैं आपकी बात की बिल्कुल उसी से मैंने इसको लिंक किया, बिल्कुल ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक किया कि इसकी निशानदेही की कि जीत के बाद ये तमाम चीजें जो है नजरअंदाज हो जाती है। इसकी जरूरत इसलिए पेश आ रही है, इसकी थोड़ी सी वजाहत भी यहाँ करता चलूँ, क्योंकि ये जीत से आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हार से तो आप सीखते नहीं हैं लेकिन जीत के बाद कोशिश करें सीखने की, क्योंकि जब आप नंबर वन बन जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आगे सिलसिले को मज़ीद कैसे बढ़ाया जाए, अपनी खामियों को कैसे आपने ठीक करना है। ये अब आप सोचने इस पर खुदारा आप सोचें बैठ के कि जिस तरह T20 सिर्फ मैच T20 ही क्रिकेट नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है, वनडे है, उसमें भी अभी आपको टीम को जो बेहतर बनाना है वहाँ पोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी ख़राब है जी। अच्छा अब थोड़ा वर्ल्ड कप की तरफ वापस आते हैं, अब आने वाले मैचेस के हवाले से ना थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। अब जैसे पोजीशन की बात हो रही थी क्लियर हो रही है, अब अगले मैच में जैसे हम बात कर रहे थे कि जनाब छोटी टीमों से मुकाबला है, लेकिन एक मैच है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है वो ये है कि जनाब के अफगानिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस के बाद तो बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट है अफगानिस्तान से, उनको कोई होप नहीं है कि वो कोई मिरेकल कर सकें या कोई अपसेट जो है वो कर सकें जी। नहीं मैं समझता हूँ कि जो ना वो न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का मैच अच्छा मैच होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो बिल्कुल मैच वैसा ही होगा जैसे पाकिस्तान के साथ जो है उसने खेला है, ठीक है, और अफगानिस्तान की टीम जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेगी अपने जो उनके जो बेहतरीन बॉलर्स हैं सो कॉल्ड स्ट्रेंथ जो इंडिया के खिलाफ जो है बैठ गई थी वो देखें, इंडिया के खिलाफ उन्होंने अपना पूरा 100% नहीं दिया, फिर अपना उनका अपना कुछ दे नहीं सके या दिया जो नहीं, भी जो भी है, बहरहाल जो है ना हर एक टीम के उनका अपना इंटरनल मसले हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते,
बहरहाल कल जो है वो क्रिकेट अफगानिस्तान की वो नजर नहीं आई जो कि अफगानिस्तान की टीम से हमें तवक्को थी क्योंकि अफगानिस्तान की टीम जो है थ्रू आउट जितनी भी है बहुत अच्छी क्रिकेट खेल के आई जी। और हम इस उम्मीद के साथ थे कि जितनी जो है इंडिया की टीम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से जो है वो बिल्कुल मॉरली डाउन हो गई थी उसको जो है अफगानिस्तान जो है उसका फायदा उठाएगी और अफगानिस्तान की टीम अच्छी फाइट करेगी। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जीत भी जाए। हम लोग सब लोग जितने आप समझते हैं कि जीत जाएगी इतना पोटेंशियल बाकी रहेगा। जाहिर बात है उसके जगह उसके पास बेहतरीन बॉलर है तो उनकी जो सिलेक्शन थी टीम सिलेक्शन थी हमें खुद समझ में ये नहीं आई कि आपने तीन फास्ट बॉलर आपके क्यों खिला रहे। अगर हाँ तीन फास्ट बॉलर आपके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हों के वाकई में उनके पास स्विंग भी हो स्पीड भी हो सब कुछ हो तो चले जी आप मानते हैं कि चले। और वो भी इंडिया के खिलाफ आप खिला रहे जो इंडिया के खिलाफ जो है आपके बॉलर जो है फास्ट बॉलरों को वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है। जबकि आपके पास तीन बेहतरीन स्पिनर है नबी नजीब और राशिद आपको तो उनके तीनों को 12 ओवर ऑफ कलर नबी का एक ओवर उसके बाद कोई ओवर नहीं ये तो मानती तो है ना उसको खेलना नहीं नहीं आपका इस पे आपकी राय बाकी है कल आप नहीं थे आपकी राय जाननी है जरा इसके ऊपर आप भी तो कलाम कीजिए। मैं सोशल मीडिया की तो बात नहीं करते नहीं करते देखिए जो हम देख रहे हैं ना हम उसकी बात करते हैं 100% क्यों नहीं हुआ चले ये बात करते हैं ये बात करते हैं। देखिए बात ये है कि अफगानिस्तान ने अपने तीनों मैच जो है वो पहले बैटिंग की है उसके अंदर उसमें से दो मैच वो जीत गया और एक मैच जो था उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ वो भी वो बहुत मतलब बहुत मुश्किल से पाकिस्तान वो मैच भी जीता ना। ये तीन मैच हो गए चौथे मैच के अंदर चूंकि हम ये देख रहे हैं कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है बैटिंग तो चले अब वो जितने भी रन कर दें लेकिन उनको बचाना जो है ना अपनी बॉलिंग से तो टॉस जीत कर और बैटिंग कराना। देखिए मैं आपको बताऊं ये रन रेट का मामला होता है ना नेट रन रेट का जी। वो ये होता है कि विकेटों की अहमियत नहीं होती नहीं उसके होती। अंदर उसके अंदर जो अहमियत होती है ना ओवर्स की होती है और रन्स की होती है। तो अगर मिसाल के तौर पर ये पहले बैटिंग करें जी अफगानिस्तान और 150 रन बनाए तो इंडिया को 150 रन बनाने के लिए 17-18 ओवर या 15-16-17-18 ओवर तक जाएंगे ना तो वो रन रेट में इतना फर्क नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर वो पहले बैटिंग करके 210 रन कर देते हैं जी, जी। और फिर 63 रन का जो फर्क है अगर 63 रन से वो तो इनका प्लस में आ जाते हैं तो 66 रन का उससे हार के और वो प्लस में आ गए। देखिए दो तीन चीजें बड़ी अहम थी इसके अंदर जो हम मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा है मैच। देखिए इन्होंने 210 रन हुए बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जब ये कैसे हुए पहला ओवर किया नबी ने नबी जो है दुनिया का बेहतरीन जो है ना ऑलराउंडर है जी। अगर आप यहाँ तक टीम को लाने में नबी का राशिद का असगर इनका बहुत बड़ा हाथ है बिल्कुल। पहला ओवर किया 7 रन दिए ठीक है ना उसके बाद पूरी इनिंग में आप बॉलिंग करने के लिए हैं जबकि वो क्या नवीन जो है उसने 60 रन दिए 4 ओवर जी। तो आप बॉलिंग करने के लिए नहीं आप उसी से उसी की मार लग रही है आप क्यों नहीं आए बॉलिंग करने। ठीक है। दूसरी बात करीम जन्नत ने एक ओवर किया 7 रन दिए आपने उससे बॉलिंग नहीं कराई नहीं करवाई जो अच्छी बॉल कर रहा है उससे आप बॉल क्यों नहीं करा रहे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी जो प्लानिंग है ना वो शकुको चुबात को जन्म दे रही है। असल बात ये हम ये नहीं कह रहे कि क्या हो गया लेकिन जो खेल के मुताबिक अगर देखा जाए नबी को 4 ओवर करने चाहिए थे करने चाहिए थे ना तजर्बा भी होता है ना वो ऑफ स्पिन भी करता है आर्मर भी करता है और फिर आप कप्तान भी हो जब आपने सर्किल में आके 7 रन का ओवर कर दिया तो बाद में क्यों नहीं किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जो मतलब ये कि कल के जो मैच था उस पर मतलब वो आई हम तो देखें जो चीज देख रहे हैं वो बता उस पर हम बता रहे हैं बाकी वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो सब सोशल मीडिया और वो बता रहा है बताता है लोगों से। लेकिन हमने जो मैच देखा है ना हमने मैच को मद्देनजर रखते हुए तजिया किया बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी कल के मैचेस के हवाले से थोड़ी बात हो जाए न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया इंडिया का मुकाबला स्कॉटलैंड से निस्बतन आसान हरीफ है दोनों के लिए मुकाबला आसान है मेरे ख्याल में कोई ऐसा मैच नहीं है जिसमें किसी अपसेट की तवक्को की जाए क्या कहेंगे। ये दोनों टीमें बांग्लादेश से बहुत अच्छा खेली है ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा एसोसिएट मेंबर हैं और जान मारते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी जो पाकिस्तान का मैच हुआ था ना नामीबिया से हुआ था ना जी जी उसके अंदर जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है बहुत जबरदस्त आपको बताऊं 59 रन
लिए 10 ओवर में, 10 ओवर में। तो बाबर आजम का और रिजवान का दोनों का कहना यह था कि इतनी जबरदस्त बॉलिंग हो रही थी, हम देख रहे थे कि हम जो है मतलब ये कि खुल के नहीं खेलने दिया उन्होंने। अगले 10 ओवर चुके, आप एक्सपीरियंस टीम में 130 रन बना दिया आपने, 189 का मतलब वो 190 का टारगेट, वो एक अलग बात है, लेकिन हम देखेंगे दोनों मैच बजाहिर तो हमें आसान नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग ये जो है ना ये छोटी टीमें जो होती हैं ये पूरी जान मारेंगी। और आपको मैं मतलब जाहिर थे तजर्बा तो दोनों टीमों का है ना, इंडिया का भी तजर्बा बहुत ज्यादा है, न्यूजीलैंड का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कल के मैचों को मतलब एकदम नजरअंदाज नहीं कर सकते, मतलब अच्छे मैच आपको लगता है कि कोई ना कोई स्पार्क है दोनों में, स्पार्क है। और जो हम एक बात ये वो कर रहे हैं ना कि जो इंडिया ने चूंकि अपना रन रेट जो है ना वो बढ़ाना है जी, तो ये इतनी आसानी से नहीं बढ़ाने होने नहीं देंगे, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर आप ये समझते हैं, वो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं जी तरने वाला, वो नहीं है, ये जो है रेजिस्टेंस शो करेगा। अफगानिस्तान हर कोई अफगानिस्तान की तरह आपको नहीं देगा आसानी से जो है वो मैच हाथ में रखें जी। अब फरमाइए, आपको उम्मीद है जैसा भी जमील भाई ने कहा कि दोनों की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है पाकिस्तान के अगेंस्ट, खास तौर पे जो शुरू का जो 10 ओवर का जो स्पेल हुआ है बहुत आउटस्टैंडिंग गेंद की है उन्होंने, वाकई उसमें बाबर आजम और रिजवान जो टॉप परफॉर्मर हैं बेहतरीन फॉर्म में हैं, उनको नहीं पता चल रहा था गेंद कहाँ से निकल रही है, तो न्यूजीलैंड के लिए तो मेरे ख्याल में मुश्किल थोड़ी सी नज़र आ रही हैं जी। बिल्कुल जो है इतना न्यूजीलैंड वाले भी इतना इजी मैच ही लेंगे क्योंकि उन्होंने भी सेमीफाइनल खेलना है, तो हर टीम जो है वो कहती है इतने अरसे के बाद जो है वो 3 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है तो हर टीम चाहती है कि जो है ना मेरा जो है ना ऊपर से आए, और उसकी जो है ना एक जो टीम जो चली आ रही है 3-4 साल से बड़ी ही एक बड़ी स्मूथ तरीके से और बड़ी जो है ना बड़ी अच्छी टीम जो है चली आ रही है, तो इस तरह से वो अच्छा खेल पेश करेगी कि वो उसने उसके बाद मैच खेलना है अफगानिस्तान से जी, और बिल्कुल जो है वो चाहेगी कि वो अफगानिस्तान को भी जो है वो हराए और वो जो है सेमीफाइनल खेले जी। तो बहरहाल जो है ना यहाँ पर मैं जो है बांग्लादेश की थोड़ी सी बात ये करूँगा कि बांग्लादेश की टीम जो है ना देखें काफ़ी पुरानी टीम है जी, इसकी उम्र काफ़ी हो गई है, ठीक है, इसके मुकाबले में जो है स्कॉटलैंड हो गई, जवान हो गई, नामीबिया हो गई या अफगानिस्तान हो गई, बांग्लादेश जवान हो गई, जवान से भी ऊपर चली गई, जवान हुई है यार, ये सही पीक पे जवान हुई है, 21 साल तो हुए, आपने दिलवाया टेस्ट क्रिकेट, आपने दिलवाया, तो आप ये देखेंगे ये टीम जो है बहुत अरसे तक नीचे ही रही है, बहुत इससे बहुत बड़ा जो है ना कोई जैसे कि इंग्लैंड जैसे कि अफगानिस्तान की टीम है, नामीबिया की टीम है, देखें ये टीमें मुकाबला कर रही हैं, और जबकि बांग्लादेश की टीम जो है पिछले 4 साल से 5 साल से टीम अच्छी हुई है, ये दोबारा उनके कुछ पास अच्छे लड़के थे जो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, और ये खासतौर पर आप देख लें कि जो है बांग्लादेश की टीम को देखेंगे, बांग्लादेश की टीम ने बाहर आके कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उसे हमेशा अपने मुल्क में ही दिए, और अभी जो सीरीज जो हम लोग समझ रहे थे कि ये बड़ी अच्छी टीम सामने आ रही है, उसने अपने मुल्क के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, अपने मुल्क में ही साउथ अफ्रीका को भी हराया, तो हम जो उम्मीद लेके निकले थे कि जो है ना अब जो इतना अच्छा खेला है शायद यहाँ पर भी आगे खेलेंगे, मगर यहाँ पर अपनी मनपसंद तो पिचे नहीं होंगी, ठीक है जो ICC बना के देगी वही होगी, उसमें आपको टेक्निकली तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बॉलर जो होंगे वो टेक्निकल तौर पर बहुत अच्छे होने चाहिए, उनको बैट्समैनों को जो है ना आपको स्विंग भी आनी चाहिए, इन स्विंग स्विंग हर तरीके से करनी है, और बैट्समैनों को भी इसी तरीके से होना चाहिए, मगर वो काम नहीं कर सकी जो कि बाकी टीमों ने नामीबिया ने स्कॉटलैंड ने किया है, और इसके मुकाबले में जबकि श्रीलंका की टीम ज्यादा यंग है, ज्यादा यंग है, और उसने यहाँ पर अपने आप को बता दिया है कि जो है वो आगे चल के आने वाले खतरे की घंटी और बेहतरीन खेल पेश करेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आखिर में थोड़ी सी बात हो जाए, जैसे भी बात हो रही थी हमारी तैयारियों के हवाले से, हमारे लिए खुदा का शुक्र अब मामला पहले के मुकाबले में आसान है, लेकिन अभी भी हमारे खदशात मौजूद हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा वो जो सवालात सोशल मीडिया के जरिए मौजूद हो रहे हैं, उसमें अभी भी लोग इस बात का इजहार कर रहे हैं कि आपने बड़े मैच हो या छोटे मैच हो आपने अपने बॉलर्स को टेस्ट किया है, हसन अली के हवाले से हमारे कंसर्न मौजूद थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि छोटे मैच के अंदर जो है आप वसीम को जो है लाकर मौका दें वसीम जूनियर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमाद वसीम के हवाले से भी कुछ यही बातें हो रही हैं कि आपके पास हफीज़ के हवाले से भी हो रही है, अब तो क्योंकि चेंजेस के आपके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है मेरे ख्याल में, अब एक स्कॉटलैंड आपको जो है उसका सामना करना है, क्या इसमें एक्सपेक्टेड है कि कोई किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट करेंगे
या फिर अब आप इसी तरह जो है फाइनल तक के लिए तैयारी करेंगे? यार मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कुछ चेंज करेंगे, करना पड़ो शायद इनको। देखिए दो ही चीजें थी इनके पास, या तो ये लड़के दो लड़के चेंज करके और उनको मतलब ये कि हफीज को और उसको रेस्ट कराते जी, हसन अली को, लेकिन चूंकि अब खिला लिया तो मैं समझता हूँ वो खिलाने से उनको नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हो गया, क्योंकि मैं जीत गए। सबसे बड़ी बात यह है कि हफीज ने 200 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंदों में 32 रन बना दिए, तो कब जब गेंद बल्ले पर आता है ना, तो ऐसा प्लेयर जो कि थोड़ा बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो, तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तो ये फायदा हो गया। अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि उसको जो है हमेशा सर्किल के बाद बॉलिंग करने लाते थे हसन को, उन्होंने दिया नया गेंद दे दिया। अच्छा नया गेंद दिया तो उसने अच्छी बॉलिंग की, गेंद उसका बाकायदा स्विंग हो रहा था, तो ये जो एक वो आया ना, तो इस चीज को देखते हुए मतलब मैं नहीं समझता कि किसी तरह का भी जो ना जरा बराबर भी कोई रिस्क लेना चाह रहा है पाकिस्तान जी, और लेना भी नहीं चाहिए, चाहे छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो। तो मेरे ख्याल में इसी अंदाज में ये जो ना, चूंकि अब इनके ज्यादा मैच नहीं है जी, कप लाने तक तीन मैच है, तीन मैच है, तो स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे 7 तारीख को ये जी, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा लोगों को ये भी बता देंगे शेड्यूल के हिसाब से भी कि देखिए इसका जो यानी ये जो ग्रुप वन है उसके 6 तारीख को मैचेस खत्म हो जाएंगे, उस दिन 6 तारीख को 2 मैच है वहां पर, इंग्लैंड का मैच साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज से, वहां का ग्रुप खत्म हो गया और फिर उसी दिन जो ना फैसला भी हो जाएगा। ये मैच चलेंगे 8 तारीख तक, वैसे तो 7 तारीख तक मैं समझ रहा हूँ, वजह ये कि 7 तारीख को पाकिस्तान का मैच है क्या कहते हैं स्कॉटलैंड से, और न्यूजीलैंड का मैच है अफगानिस्तान से, और 8 तारीख को एक ही मैच है सिर्फ जी, वो है भारत का जी, भारत ने नामीबिया से खेल उसको देखना पड़ेगा कि क्या रन रेट हुआ क्या हुआ, लेकिन अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो सारी कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी, 8 तारीख को ये सारे ग्रुप के मैच खत्म हो जाएंगे। टोटल इसके अंदर भाई 45 मैच थे जी, 12 मैच जो है क्वालिफाइंग राउंड के थे जो के हो गए और आज तक 23 मैच हो गए, टोटल 10 मैच रह गए, 5 तारीख को 2, 6 तारीख को 2, 7 तारीख को 2 जी, और 8 तारीख को 1, 7 मैच हो गए, 2 सेमीफाइनल 1 फाइनल, फाइनल ये 10 मैच हो जाएंगे, तो ये टूर्नामेंट आप खत्म 8 तारीख को खत्म होगा, 9 तारीख को रेस्ट है, 11 और 12 को सेमीफाइनल है, 13 और 14 को रेस्ट है, और 15 को जनाब नौ को रेस्ट 10 और 11 को वो है, 12 और 13 को जो है वो रेस्ट है जी, सेमीफाइनल हमारे जो है ना वो 10 और 11 को, 10 और 11 ठीक है ना, और 12 और 13 को रेस्ट है, और 14 को जनाब फिर फाइनल है, और वो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा दिन होगा, और इंशाल्लाह हम सब यानी कि पूरी उम्मीद है के वो दिन पाकिस्तान का दिन होगा इंशाल्लाह। मगर अमान थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, जमील अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोसेस मेहमानों का प्रोग्राम में गुफ्तगु करने के लिए, बात हुई आज के मैचेस के हवाले से, और आने वाले वक्त में जो मैचेस होने जा रहे हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम्स में तबसरा होता रहेगा, लेकिन अब जो सेमीफाइनल की तरफ जो रसाई है वो तो मुमकिन हो चुकी है, लेकिन अब देखना ये बाकी है कि दूसरी जो टीम है वो कौन सी जो है वो सामने आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है या साउथ अफ्रीका की टीम है, तो ये अभी तय होना बाकी है। बहरहाल जी कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह की।